Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So I'm excited today because I'm going to talk about one of a very interesting card, Ace of Cups. आज हम बात करेंगे Ace of Cups के बारे में. ये कार्ड सीक्रेट से भरा पड़ा है, इसमें बहुत कुछ है बात करने को. कार्ड जितना सिंपल है उतनी ही ज़्यादा उसके बारे में बातें हैं बात करने को. तो शुरू करते हैं. तो हम Ace of Cups, एस जो है स्टैंड करता है सीरीज, कप्स की सीरीज में नंबर वन कार्ड. और कप स्टैंड करता है इमोशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, लव के लिए. और यहाँ पे हम देखते हैं एस ऑफ कप्स में जो सिंबोलिज्म है उसके अंदर जाते हैं थोड़ा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हाथ जो कि बादलों से आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज हैंड ऑफ गॉड. और जो कप जो सिंबलाइज करता है, वो कप सिंबलाइज करता है विमेन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए. जब भी हमें कुछ रिसीव करना होता है, हमें जो है इस तरह की मुद्रा बनानी पड़ती है, कप की शेप की मुद्रा बनानी पड़ती है, ताकि उसके अंदर आप वो रिसीव कर सको जो आपको कोई देना चाहता है. आपकी मुद्रा कप की ही होगी तो ही आपको मिलेगा. आपकी मुद्रा अगर किसी भी और शेप की होगी तो नहीं मिल पाएगा. सो दैट इज़ वाई हम इसके लिए यूज़ करते हैं, कप को सिंबलाइज करते हैं. एंड फिर हम देखते हैं कि उसमें से फाइव स्ट्रीम्स बाहर निकल रही हैं. और ये फाइव स्ट्रीम्स, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये कप जो है भरा हुआ है, ओवरवेलमिंग है, मतलब इसमें बहुत कुछ है, एक फुलफिलमेंट है, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग है. इतना कुछ आपको मिला है कि अब आप बांटना चाहते हो. तो वो बढ़ता कैसे है? वो बढ़ता है इन पांच स्ट्रीम्स के थ्रू. पांच स्ट्रीम्स जो हैं वो स्टैंड करती हैं हमारी फाइव सेंसेस. तो जब आप बांटोगे कहाँ से बांटोगे? इन्हीं फाइव सेंसेस को यूज करोगे तो ही बांट पाओगे. सो दिस इज वॉट इट सिंबलाइजेस. और जब आप देखोगे कि जब वो जो गिर रही है, वो जो फ्लो जो नीचे गिर रहा है, वो जो पांच धाराएं जो नीचे गिर रही हैं, नीचे जो है तालाब के अंदर लोटस फ्लावर्स जो हैं खिले हुए हैं. लोटस फ्लावर्स जो हैं सिंबलाइज करता है यू नो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट, या फिर फ्लावरिंग के लिए. तो जब भी हम बोलते हैं एक आदमी खिल गया, एनलाइटन हो गया, तो उसको हम सिंबलाइज करते हैं लोटस से. दैट इज व्हाट इज शोन हियर इन दिस कार्ड. जो हम ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं यहाँ पे, वो ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो ग्रेस के लिए सिंबलाइज करता है कि देयर इज अ ग्रेस व्हिच इज देयर and which is giving you a blessing. और फिर हम ऊपर देखते हैं डव को, एक डव जो कि कप के अंदर, कप की ऊपर वाली डायरेक्शन में नीचे उतर रही है. डव सिंबलाइज करता है फ्रीडम के लिए, प्योरिटी के लिए, एक इट इज ऑल्सो नोन एज द होली स्पिरिट क्रिश्चियनिटी में. तो होली स्पिरिट इन अदर मीन्स, इट ऑल्सो मीन्स मदर नेचर, जहाँ से सारा कुछ क्रिएट होता है. तो जब आप देखो कि उस कप के अंदर जो है, इट्स लाइक अ वाटर, एंड व्हाट होली स्पिरिट इज डूइंग इज, होली स्पिरिट क्या कर रही है उस पानी को, द व्हाट इट डज इज लाइक इट टर्न्स वाटर इनटू वाइन एंड द वाइन इनटू ब्लड. सो इट्स अ सीरीज, इट्स अ सिंबलाइजेशन. जो कार्ड में आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि when there is blessing on you, when there is love towards you, you overflow with that, you overflow with love, you overflow with creativity, and usse jo hai aapke paas bahut kuch rehta hai baantne ke liye. To card ace of cups jo hai wo symbolize karta hai khilawat aapke consciousness ki, aapki. Jab bhi ye card aayega wo aapko ye symbolize karega there is something very positive which is happening. It can also stand for यू नो रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें तो इट कैन स्टैंड फॉर अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विच इज़ ग्रोइंग, विच इज़ ओवरफ्लोइंग, विच इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. इट्स ऑल्सो वेरी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग
which is given to you by God Himself. And किसी भी स्ट्रीम में अगर ये कार्ड आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्ड ऑफ यस. तो जिसको हम बोल सकते हैं, अगर हम यस एंड नो का क्वेश्चन पूछते हैं टैरो से, और अगर आपको ये कार्ड मिलता है तो इट ऑल्सो मीन्स अ यस क्वेश्चन. सो राइडर वेट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि राइडर वेट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. जब आप टैरो कार्ड्स के जब आप मीनिंग देखते हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर के मीनिंग्स में मत जाइए, ऊपर ऊपर के इंटरप्रिटेशन में मत जाइए. एक एक कार्ड का, एक एक कार्ड का मीनिंग है, एक एक सिंबलिज्म का मीनिंग है. कुछ भी ऐसा नहीं है कार्ड में, कुछ भी फालतू का कुछ नहीं दिया हुआ जो कि जिसका मीनिंग ना हो. एंड अगर आप कार्ड में देखेंगे तो डव जो है उसके नीचे जो सिंबल बन रहा है वो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो कि सिंबलाइज करता है कि वंस यू हैव द फ्रीडम ऑफ सोल यू कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शन यू वॉन्ट, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन यू वॉन्ट. मतलब आपके लिए सारे आपके पंख खुल जाते हैं, तो आप जहाँ पर भी जा सकते हैं, जो डायरेक्शन अपने लिए चूज करना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए वो आप चूज कर सकते हैं. और इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा कि कार्ड में अगर आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू शेप बना हुआ है. इसके ऊपर बहुत विवाद होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर बात की जाती है कि क्या ये डब्ल्यू है, एम है, क्या मतलब है इसका. क्या ये डब्ल्यू स्टैंड करता है वेट, क्योंकि राइडर वेट जो है ये कार्ड्स हैं, तो क्या ये डब्ल्यू जो है वेट के नाम से है, या फिर ये एम शेप है. एम शेप कुड ऑल्सो मीन्स मदर. एंड तो इसके लिए एक जो है डिस्कशन चलती रहती है. मेरा खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं देखता हूँ कि सिंस ये पांच स्ट्रीम्स जो हैं जो कब से बाहर आ रही हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देर आर लाइक फाइव पॉइंट्स विच आर शोन. सो फाइव पॉइंट्स और फाइव डायरेक्शंस. सो मेरे लिए जो डब्ल्यू कह लीजिए, एम कह लीजिए, मेरे लिए वो फाइव डायरेक्शंस हैं जो शो करता है. क्योंकि आई डोंट थिंक कि वो आप यहाँ पे कोई अक्षर यहाँ पे लगाएंगे, जो कि मुझे मेरी समझ में नहीं आता. मेरी समझ में सिंबोलिज्म में जो है ज़्यादा सेंस करता है. तो सिंबोलिज्म के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि देर आर लाइक फाइव पॉइंट्स, देर आर फाइव डायरेक्शन, और इट कुड ऑल्सो मीन अ काइंड ऑफ अ ग्राफ ऑफ हाउ द लाइफ गोज. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कार्ड. एस ऑफ कप्स जो है छोटा सा सिंपल सा कार्ड, लेकिन फुल ऑफ सीक्रेट्स, बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए. एनीवेज, आशा करता हूँ आपको ये कार्ड पसंद आया होगा, और मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में. नमस्ते.